लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग इज़ एक्विजिशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमें फिजियोलॉजी पढ़नी है या ये नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, तो ये हमारा हो गया न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्विजिशन करना, ओके। एंड व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी इज़ रिट्राइवल ऑफ दैट, उसको स्टोरेज करना और फिर जब ज़रूरत हो तब आप रिकॉल करना। आपसे किसी ने पूछा कि भाई ये जो मेमोरी कितनी टाइप्स की हैं, तो दैट इज़ अ मेमोरी पार्ट, यानी आपने स्टोरेज किया एंड जब भी रिक्वायर हुआ आपने उसको रिट्रैवल किया। सो लर्निंग इज़ दी एक्विजिशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड मेमोरी इज़ एनकोडिंग, यानी उस इन्फॉर्मेशन को जो लर्न किया हमने उसको एनकोड किया अपने ब्रेन में, स्टोरेज किया एंड रिट्राइवल ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जब रिक्वायरमेंट हुई उस इन्फॉर्मेशन को हमने रिट्राइव किया, दैट इज़ दी पार्ट ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी है, मेमोरी का मेजर जो कंसेप्ट है कि मेमोरी हमारे ब्रेन में बनती कैसे है, तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो है जो सिनेप्स होते हैं एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, जो जंक्शन है सिनेप्स, उस सिनेप्स की स्ट्रेंथनिंग होना, वो जो है फैसिलिटेट होते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस। वही हमारा बार बार, जैसे हम कोई चीज़ बार बार पढ़ते हैं तो उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है सिनेप्सिस की, वही हमारी मेमोरी बनाती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं और फिर इस मेमोरी का कंसेप्ट क्या होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है। तो मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एक्सप्लिसिट मेमोरी, दूसरी है इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं, और ये जो एक्सप्लिसिट मेमोरी या डिक्लेरेटिव मेमोरी है, इसकी खास बात होती है कि इसमें हमें पर्सन को कॉन्शियसनेस रिक्वायर्ड होती है और अवेयरनेस रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि हम नया नया अगर बाईसाइकिल चलाना सीखते हैं या फिर कार ड्राइव करना सीखते हैं, तो हमें उसके हर एक स्टेप पे, हर एक चीज़ पे ध्यान देना होता है, यानी कि हमारा ब्रेन इज़ वेरी हाईली एक्टिव एट दैट टाइम। जब हम कार सीखते हैं हमें क्लच पर भी ध्यान देना है, हमें ब्रेक पर भी ध्यान देना है, हमें उसको राइट कैसे मुड़ेगी, लेफ्ट कैसे मुड़ेगी, उसके हर चीज़ पर हमें ध्यान देना होता है। तो दैट नीड्स अ कॉन्शियसनेस और दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट मेमोरी और अ डिक्लेरेटिव मेमोरी। लेकिन जब हम इसको सीख जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी में, क्योंकि एक बार जब आपने कार ड्राइव करना सीख लिया, उसके बाद आप विदाउट टू मच ऑफ ब्रेन एक्टिविटी आप उसको चलाते रहते हैं रिफ्लेक्स में, यानी कि आप म्यूजिक सुनते हुए भी चला सकते हैं, आप बात करते हुए भी गाड़ी चलाते रहते हैं, ऐसा ही साइकिल के साथ है। तो यानी कि एक्सप्लिसिट मेमोरी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इम्प्लिसिट मेमोरी वंस इट इज लर्न्ड, ओके। और जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है उसमें हिप्पोकैम्पस में एंड मीडियल टेम्पोरल लोब में जो प्रोसेसिंग है वो रिक्वायर्ड होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हिप्पोकैम्पस कहाँ होता है? हिप्पोकैम्पस होता है आपका, जैसे ये आपका ब्रेन है, इस ब्रेन में यहाँ पर ये टेम्पोरल लोब होता है, इस टेम्पोरल लोब में ही यहाँ पर जो है आपका हिप्पोकैम्पस एरिया सिचुएटेड होता है। तो यानी मीडियल टेम्पोरल लोब एंड द हिप्पोकैम्पस, इनमें आपकी कॉन्शियस प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी के लिए, जबकि इम्प्लिसिट मेमोरी के लिए ना तो कोई अवेयरनेस रिक्वायर्ड है, ना ही कॉन्शियसनेस रिक्वायर्ड है, और ना ही इसमें मीडियल टेम्पोरल लोब एंड हिप्पोकैम्पस में कॉन्शियस प्रोसेसिंग होती है, ओके। अब इसको याद रखने का तरीका है, सी फॉर कॉन्शियसनेस, सी के बाद डी आता है, डी फॉर डिक्लेरेटिव, डी के बाद आता है ई, यानी कि एक्सप्लिसिट। तो सी डी ई, सो यू कैन रिमेंबर कि एक्सप्लिसिट जो है वो कॉन्शियसनेस, डिक्लेरेटिव उसी को हम एक्सप्लिसिट मेमोरी कहते हैं, और जो बाकी है वो आपका इम्प्लिसिट मेमोरी हो गया। नाउ एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एपिसोडिक मेमोरी और दूसरी है सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में इवेंट्स आते हैं, जो भी इवेंट्स हैं वो एपिसोडिक मेमोरी में होते हैं। इवेंट्स जैसे कि आप अपना, जब आप मेडिकल कॉलेज में आए तो आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, अगर आप उस इवेंट्स को रिक्वायर्ड को मेमोराइज करें तो वो आपकी एपिसोडिक मेमोरी होगी या इवेंट्स की मेमोरी होगी। दूसरी होती है सिमेंटिक मेमोरी, जो कि फैक्ट्स की मेमोरी होती है। फैक्ट्स आपको पता है, बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी जो इंडिया की कैपिटल है वो क्या है, या और एनी अदर फैक्ट्स। उसमें वर्ड्स आते हैं, उसमें रूल्स आते हैं, कोई भी रूल हो उसमें लैंग्वेज आती है, तो ये सारे के सारे हमारे सिमेंटिक मेमोरी में होते हैं। और एपिसोडिक मेमोरी के लिए अगेन ये हिप्पोकैम्पस भी चाहिए, ये टेम्पोरल कॉर्टेक्स भी चाहिए, और साथ में नियोकॉर्टेक्स चाहिए, ओके, नियोकॉर्टेक्स एरिया चाहिए। और इसको कैसे याद रखेंगे? ई फॉर एपिसोडिक, ई फॉर इवेंट्स। सिमेंटिक मेमोरी बाकी फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन हो गई। इसमें क्या क्या चाहिए आपको? टेम्पोरल कॉर्टेक्स चाहिए, ये वाला जो टेम्पोरल कॉर्टेक्स है, टेम्पोरल कॉर्टेक्स एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फ्रंटल एरिया होता है उसका आगे जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये आपके
सिमेंटिक मेमोरी के लिए चाहिए। तो और दोनों तरह की मेमोरी ही, चाहे वो एपिसोडिक मेमोरी हो चाहे वो सिमेंटिक मेमोरी हो, उसको कॉन्शियसनेस रिक्वायर्ड है, यानी अवेयरनेस से आप उसको एक्वायर करते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप वन इज प्राइमिंग, टाइप टू इज प्रोसीजरल। सो पी पी के नाम से दो हैं, पी फॉर प्राइमिंग, पी फॉर प्रोसीजरल। सबसे पहले होती है प्राइमिंग, किसी भी चीज़ को करना है तो प्राइमिंग चाहिए होती है, जैसे हम सिंपली बात करें याद रखने के लिए, तो दिस इज प्राइमिंग। अनदर इज प्रोसीजरल, प्रोसीजरल में स्किल्स एंड हैबिट्स आती हैं, जैसे हाउ टू राइट, ये आपने स्किल एक्वायर करी है, तो और हमारी जो भी हैबिट्स होती हैं, तो स्किल्स एंड हैबिट्स आर इन द प्रोसीजरल। बाकी जो दो होती हैं, एक एसोसिएटिव है एक नॉन एसोसिएटिव है, जिनको आप साथ याद रखेंगे। तो प्राइमिंग एंड प्रोसीजरल को एक साथ याद रखना है, एसोसिएटिव एंड नॉन एसोसिएटिव को एक साथ याद रखना है। प्राइमिंग क्या चीज़ होती है, जैसे कि अगर हम कोई किसी कुछ वर्ड्स हैं, सपोज उनको हम स्टार्टिंग वर्ड्स, आप किसको किसी वर्ड्स के आपको स्टार्टिंग लेटर्स बता दिए जाएं, तो आप उसके आगे का लेटर पता रख सकते हैं। यानी कि इट इज़ अ फैसिलिटेशन ऑफ मेमोरी बाय प्रायर टेलिंग ऑफ द वर्ड्स। या आपको कोई चीज़ पहले से बताई है तो उसकी जो मतलब फैसिलिटेशन हो रहा है आपका, जैसे सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपको बोला कि भाई ये येल्लो रेड, कोई बोले आपको कि यहाँ पर क्या वर्ड आएंगे, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कलर के बारे में बता रहा है, येल्लो है रेड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रीन आएगा। तो यानी कि ये एक तरह से आपने फैसिलिटेट कर दिया और वो पर्सन इसको रिकॉल कर पा रहा है। या फिर जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई ये हो गया टोमेटो, और बोले कोई भाई यहाँ पर क्या आएगा, तो ऑब्वियसली पोटैटो। आपको समझ में आया था कि यानी सब्जी के बारे में बात हो रही है। तो यानी बाय प्रायर टेलिंग ऑफ सम लेटर्स और सम वर्ड्स, सो द मेमोरी इज फैसिलिटेटेड। ओके, सो दैट इज इन द प्राइमिंग एंड इट नीड्स अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नियो कॉर्टेक्स। ओके, नाउ प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में आपको स्ट्राइटम एंड सेरेबेलम ये रिक्वायर्ड होते हैं, स्ट्राइटम एंड सेरेबेलम। एस फॉर स्किल्स, एस फॉर स्ट्राइटम, आप इसको ऐसे याद रख लेंगे, और साथ में सेरेबेलम भी चाहिए। सेरेबेलम का नॉर्मल वैसे काम क्या होता है, इट इज़ फॉर द मोटर लर्निंग। ओके, एंड फॉर द मोटर प्लानिंग के लिए भी चाहिए, आपको कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए। सो दे आर द फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। यहाँ पर हम लर्निंग की बात करें तो मोटर लर्निंग है ये, जो कि आपकी स्किल्स और हैबिट है उनके लिए मोटर लर्निंग की रिक्वायरमेंट है, एंड स्ट्राइटम एंड सेरेबेलम इज इंपॉर्टेंट इन दिस। नाउ एसोसिएटिव एंड नॉन एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है यानी किसी के बीच में एसोसिएशन कर रहे हैं, तो एसोसिएशन भी या तो दो स्टिमुलाई के बीच में एसोसिएशन हो सकता है, या फिर एक स्टिमुलाई और एक बिहेवियर के बीच में एसोसिएशन हो सकता है। ओके, तो इस एसोसिएटिव में हम क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग होता है पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट होता था डॉग वाला, कि उसको पहले हमने खाना नॉर्मल देते थे तो सलाइवेशन होता है। ओके, और अगर उसके साथ में बेल बजाएंगे तो, अगर खाली बेल बजाओगे तो सलाइवेशन नहीं होगा, लेकिन अगर हम पहले जो है मतलब साथ में हम पहले खाना दे रहे हैं, पहले हमने बेल बजाई फिर हमने खाना दिया, तो जब हम इसको रिपीटली करते हैं, बार बार करते हैं, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद ऐसी एक एसोसिएशन इनके बीच में डेवलप हो जाती है कि खाली बेल बजाओ तो भी डॉग को पता लगता है कि इसके बाद फूड आएगा, तो खाली बेल से भी उसमें सलाइवेशन होने लगता है। यानी कि बेल और मीट, या जो भी आप फूड दे रहे हो, बेल एंड मीट, इन दोनों, ये दोनों दो स्टिमुलाई हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो रहा है और वो उसको सीख रहा है, जो डॉग है उसको लर्न कर रहा है। ठीक है, तो इससे वो अपना बिहेवियरल चेंज कर रहा है और एक रेस्पॉन्स डेवलप हो रहा है। तो दैट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग और पावलोव एक्सपेरिमेंट। और यह ऑपरेंट कंडीशनिंग इसमें आती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक स्टिमुलाई और एक बिहेवियर के बीच में रिलेशन सीखते हैं। इसमें स्किनर एक्सपेरिमेंट आएगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि जो रैट का एक बॉक्स होता है, स्किनर बॉक्स कहते हैं, उसमें एक रैट को रखते हैं, उस रैट के बिहेवियर में कुछ चेंज होता है बाय लर्निंग, दैट इज दी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, तो एसोसिएटिव में हम क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। और इसमें क्या क्या चाहिए, अमाइग्डाला चाहिए और सेरेबेलम चाहिए। ए फॉर एसोसिएशन, ए फॉर अमाइग्डाला। ओके, देन नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, इसमें आपको एक ही स्टिमुलस का के बारे में सीखना होता है, उस रिपीटेटिव स्टिमुलस से जो रेस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है या बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो सकता है। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम हैबिचुएशन कहते हैं।
जैसे कि हम कोई भी सपोज़ करो कि मैं आपको बार बार परेशान करूं कि आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो हार्मलेस है तो आप कुछ टाइम बाद बोलने सोचेंगे कि चलो छोड़ो मैडम को बोलने दो, तो इट मीन्स यू इग्नोर, सो दैट इज़ हैबिचुएशन, ओके। लेकिन अगर आप वर्क नहीं करके लाओ, होमवर्क नहीं करके ला रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, कोई आंसर नहीं कर रहे हो, और मैं साथ में आपको कोई पनिशमेंट देने लगूँ तो क्या होगा, आप होमवर्क बेटर तरीके से करने लग जाओगे, आप उस रिस्पॉन्स को बेटर करने लग जाओगे, तो इट मीन्स द रिस्पॉन्स इज इंक्रीज्ड, है ना, बट इन रिस्पॉन्स टू अ हार्मफुल स्टिमुलस, यानी आपको हार्मफुल, यानी आपको पता ही कोई पनिशमेंट मिलेगा तो वो आपका जो रिस्पॉन्स है बढ़ गया, उसको इसलिए हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही स्टिमुलस की बात कर रहे हैं और रिपीटेड स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, तो नॉन एसोशिएटिव में सिर्फ एक ही स्टिमुलस के बारे में होता है, और हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और इसके लिए रिफ्लेक्स पाथवे काम करता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मेमोरी, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, एंड एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट का अगेन डिविजन हो रहा है। हम मेमोरी को एक दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, और एक डिफरेंट टाइप की मेमोरी है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको हम तीस तरह से तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वर्किंग मेमोरी वो होती है जो कि सिर्फ बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है, जब वो जस्ट मैं बोलूँ कि भाई मेरा फ़ोन नंबर डायल करो, और मैं अपना नंबर बता रही हूँ 8888 व्हाटएवर, तो इट मीन्स आपको ये नंबर उस टाइम तो याद रहेगा, तो आपकी वो विजुअल मेमोरी, या तो मैं लिख के दे दूँ तो विजुअल मेमोरी में भी उस टाइम के लिए याद रह सकता है, या फिर आप मेरी बात को सुन रहे हो तो उस नंबर्स की इमेज बना के आप कुछ टाइम के लिए याद रख सकते हो जस्ट बिफोर डायलिंग, लेकिन 18-20 सेकेंड्स तक ही वो रहता है, उसके बाद वो भूलने लग जाता है, वो भूल जाते हैं। एंड वी कैन रिमेंबर ओनली 7 ± 2 चंक्स, यानी कि बस बहुत ही कम वर्ड्स को आप उस टाइम तक के लिए याद रख सकते हो, एंड ये होती है इसकी प्रोसेसिंग, इसका सेंटर होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, फ्रंटल के आगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो आपको सेकेंड्स टू आवर्स तक रहती है, यानी कि जैसे मान लें आपने फ़ोन नंबर मैंने आपको बताया, उस फ़ोन नंबर को आप बार बार अगर याद रख लें, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, बार बार डायल कर रहे हैं, तो वो और कुछ टाइम तक याद रह सकता है, सो दैट कैन रिमेन फॉर सेकेंड्स टू आवर्स, दैट इज कन्वर्ट इन टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। और इसके लिए वेंट्रल हिप्पोकैम्पस इसका सेंटर है, प्रोसेसिंग इसकी वेंट्रल हिप्पोकैम्पस में होती है, और ये CA1 न्यूरॉन्स स्पेशली होते हैं जहाँ पर ये प्रोसेसिंग हो रही होती है, और ये मेमोरी ट्रेसेस आर सब्जेक्ट टू डिसरप्शन बाय ट्रॉमा और ड्रग्स। मान लिया कि आपने कुछ चीज़ शॉर्ट टर्म में आपने रिपीट किया, उस वर्किंग मेमोरी को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन शॉर्ट टर्म अभी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हुई, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई ब्रेन का कोई ट्रॉमा हो जाता है, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन जो ब्रेन की मेमोरी को इनहिबिट कर सकती है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसरप्ट हो जाएगी, और दैट विल नॉट कन्वर्ट इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी ईयर्स टू लाइफ तक रहती है, और शॉर्ट टर्म ही फाइनली लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है जब आप बार बार रिवाइज करते हो, इसलिए कहते हैं कि आपको कोई चीज़ बहुत टाइम तक याद रखनी है तो आप उसको बार बार रिवाइज करें, ठीक है, तो ईयर्स टू लाइफ तक रहती है वो, और इसकी प्रोसेसिंग होती है न्यू कॉर्टेक्स में, और ये रेजिस्टेंट होती है, रेजिस्टेंट टू दी ड्रामा और दी ड्रग्स, यानी कि उनसे रेजिस्टेंट, इसका डिसरप्शन नहीं होता, आपने जो याद कर लिया वो लॉन्ग लाइफ आपको याद रहता है, ईयर्स तक याद रहता है। यानी कि वर्किंग मेमोरी कैन बी कन्वर्ट टू शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी कन्वर्ट टू लॉन्ग टर्म बाई द हेल्प ऑफ रिपीटिशन, आपको बार बार उसको रिवाइज आप करते हो तो यही आपकी इस मेमोरी में कन्वर्ट हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सिनेप्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, सो सिनेप्स स्ट्रेंथनिंग इज द मेजर बेसिस फॉर दिस मेमोरी फॉर्मेशन। ओके, नाउ आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ द मेमोरी, हमने अभी पढ़ा था कि इम्प्लिसिट मेमोरी को हम डिवाइड कर सकते हैं प्राइमिंग, प्रोसीजरल मेमोरी, एसोशिएटिव एंड नॉन एसोशिएटिव। सो हियर वी आर डिस्कसिंग एसोशिएटिव लर्निंग इन डिटेल। एसोशिएटिव लर्निंग का मतलब है दो, किसी भी दो चीज़ के बीच में एसोसिएशन होना, और वो दो चीज़ें क्या हैं? दो स्टिमुलाई हैं, उन दो स्टिमुलाई के बीच में एसोसिएशन है, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, या फिर एक स्टिमुलाई एंड एक बिहेवियर, उन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन है उसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो सबसे पहले है क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको हम पेवलोव एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि पेवलोव ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, और ये डॉग पे किया उसने। कैसे किया? कि पहले फूड दिया, खाली मीट दिया जैसे उसको, और उन्होंने देखा कि सलाइवेशन हो रहा है डॉग में। तो यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस है फूड, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स है सलाइवेशन, और ये इनेट रिफ्लेक्स है, इनेट माने बाई बर्थ, यानी कि अगर छोटा बच्चा भी होगा डॉग का तो वो भी सलाइवेट करेगा। ओके,
तो यानी कि अभी तक कंडीशनिंग नहीं हुई है। कैसे याद रखेंगे? अनकंडीशन का मतलब कोई कंडीशनिंग नहीं, कोई स्पेशल आपने कंडीशन नहीं रखी। कंडीशन क्या है? लर्निंग, लर्निंग बिटवीन द टू स्टिमुलाई। ओके, देन आपने खाली बेल रिंग किया उसको, उसके सामने तो कोई सलाइवेशन नहीं हुआ। बेल क्या है यहाँ पे? न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो कोई कंडीशनिंग अभी तक डेवलप नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया, बेल फूड के साथ बजाया, बेल बजा रहे हैं, फूड भी साथ में आ गया, तो उसको समझ आने लगा कि बेल के बाद में अगर आप फूड बजा देते हो तो यानी कि बेल के बाद एकदम फूड आएगा और ये सेलाइवेट कर रहा है पहले तो नॉर्मली, तो यानी कि अभी तक भी कंडीशनिंग नहीं हुई जब आपने ये फर्स्ट टाइम किया। बेल यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस है, पेयरिंग किसके साथ हो रही है? अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, और सेलाइवेशन एक रेस्पॉन्स है, बट अभी तक ये कंडीशन रेस्पॉन्स नहीं है। लेकिन जब उसने देखा कि इसको बार बार करें, अगेन एंड अगेन इसको रिपीट किया मैनी टाइम्स, तो उन्होंने देखा कि इन दोनों स्टिमुलस के बीच में पेयरिंग हो जा रही है, यानी कि जो डॉग है वो लर्न कर रहा है इन दोनों के बीच में एसोसिएशन। यानी अगर हम खाली अब बेल बजाएं इस रिपीटेशन के बाद, कई बार देने के बाद, तो उसने देखा कि भाई बेल खाली बजाओगे तो भी वो सेलाइवेट कर रहा है, क्योंकि उसने लर्निंग कर ली कि अब बेल के बजाने के बाद में फूड आएगा, तो उसका सेलाइवेशन पहले से स्टार्ट हो गया। तो अब बेल जो है पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था, लेकिन अब बेल क्या है? कंडीशन स्टिमुलस हो गया, क्योंकि उसने उसको लर्न कर लिया, और उसके बाद जो सेलाइवेशन हो रहा है ये भी अब कंडीशन रेस्पॉन्स है। ओके, तो अगर हम कहें कि फूड विद बेल है, फूड विद बेल है, जो कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी काम आएगा, कि फूड विद बेल अगर बजा रहे हो तो ये कोई कंडीशनिंग नहीं है, यानी कि फूड तो इननेट रिफ्लेक्स का ही पार्ट है। आपने बेल अलोंग विद फूड किया विदाउट पेयरिंग, यानी कि एक बार किया, उसमें कोई मेंशन नहीं है कि भाई पेयरिंग हुई है कि नहीं हुई है, तो भी ये इननेट रिफ्लेक्स है। लेकिन अगर बेल अलोंग विद द रिपीटेड पेयरिंग ऑफ फूड है, तभी फाइनली ये आपका कंडीशन रिफ्लेक्स बनता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। नो, सेकेंड टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय स्किनर। स्किनर ने क्या किया, एक स्किनर में एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में रेट को रखा, इसके बेस पे इलेक्ट्रिकल ग्रिड थी, और जब ये बटन प्रेस होता तो ये इलेक्ट्रिकल ग्रिड से करंट आता और इस रेट को लग जाता। यहाँ पे एक लिवर था इस बॉक्स में, जब भी वो इस बॉक्स को प्रेस करता, यहाँ पे एक ये फूड डिस्पेंसर, इसमें फूड पैलेट्स हैं, और वो फूड पैलेट जैसे इसको प्रेस करेगा तो ये फूड पैलेट आके इसको अवेलेबल हो जाती। तो यानी कि ये जो रेट है, इसने लर्न किया बार बार, जब भी यहाँ पे स्टार्टिंग में तो उसको पता नहीं था कि यहाँ से फूड आएगा, ये तो एट रैंडम यहाँ पे प्रेस हुआ, तो ये धीरे धीरे करके लर्न कर गया कि जब भी इसको प्रेस करेगा तो ये फूड आता है। तो ये क्या हुआ कि बाय रिवार्ड इसने इसको बार बार प्रेस करना शुरू कर दिया, और इसको ये एक बिहेवियरल चेंज मिल गया। दूसरा, यहाँ पर एक बटन था, जैसे इसको प्रेस करता यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल ग्रिड आता है, इसको करंट लगता, तो पहले तो ये एट रैंडम इसका इधर उधर इस पर हाथ लग जाता और ये पुश हो जाता बटन, और को करंट लगता, लेकिन धीरे धीरे ये लर्न कर गया रेट कि अब इसको पुश नहीं करना और इसको अवॉइड करना। यानी कि इसने जो ये लर्निंग करी है, ये लर्निंग एक स्टिमुलस के बीच में है, जैसे स्टिमुलस लीवर है उसको प्रेस करना, या फिर दूसरा स्टिमुलस आपका, मतलब उसके थ्रू इसने देखा कि इस बिहेवियर को बार बार करना है, तो ये इस स्टिमुलस, एक स्टिमुलस और एक बिहेवियर चेंज, इसने बिहेवियर चेंज किया ना कि इसको प्रेस करना है इसको नहीं करना, तो एक स्टिमुलस एंड बिहेवियरल चेंज के बीच में ये एसोसिएशन है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग दो स्टिमुलस के बीच में एक रिलेशन था। तो ये आपका लर्निंग है थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट, और ये एसोसिएशन बिटवीन वन स्टिमुलस एंड दी वन बिहेवियरल चेंज, तो ये हो गई हमारी एसोसिएटिव लर्निंग। नॉन एसोसिएटिव लर्निंग में एनिमल सीखता है एक किसी एक स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स होता है, इस रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं या इस रिस्पॉन्स को घटा देते हैं व्हेन यू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। अब ये जो नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है, इसमें कोई हम एसोसिएशन नहीं सीख रहे हैं, दो कोई एनिमल एसोसिएशन नहीं सीख रहा है दो स्टिमुलस के बीच में या दो बिहेवियर के बीच में, ये सिर्फ एक सिंगल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है। इसको दो में डिवाइड करते हैं, हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। हैबिचुएशन का मतलब हैबिचुएट हो जाना, यानी इग्नोर कर देना। तो अगर कोई हार्मलेस स्टिमुलस है, उसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा कि वो एनिमल, इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स कम होगा, और फाइनली वो उसको इग्नोर करना सीख लेगा।
जैसे सपोज करो मैं आपको बार बार पॉक करूँ कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, बट वो हार्मलेस है, तो धीरे धीरे आप उसको इग्नोर करना सीख जाएंगे, एंड दैट इज हैबिचुएशन। इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि अगर आप बार बार स्टिमुलस देते हैं तो जो प्रीसिनेप्टिक जो न्यूरॉन है, ये प्रीसिनेप्टिक है, पोस्टसिनेप्टिक है। प्रीसिनेप्टिक में जो कैल्शियम चैनल होते हैं जिनके थ्रू कैल्शियम इस प्रीसिनेप्टिक में एंटर करता है, इसका ग्रेजुअली धीरे धीरे इनएक्टिवेशन होने लगता है, और अगर इसका इनएक्टिवेशन होता है कैल्शियम चैनल का तो कैल्शियम प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल में कम हो जाएगा, एंड कैल्शियम इन द प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज भी कम हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कम हुआ तो जो रेस्पॉन्स है वो वैनिश हो जाएगा, तो यानी कि जो रेस्पॉन्स है वैनिश हो रहा है रिपीट करने पे बार बार, यानी कि एनिमल ने उसको इग्नोर करना सीख लिया है। जो सेंसिटाइजेशन है वो हैबिचुएशन की अपोजिट प्रोसेस होती है, इसमें जो रेस्पॉन्स है, जो यहाँ पे रेस्पॉन्स आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, ऑगमेंटेड आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो यानी इट ऑपोजिट टू दिस देर इज़ अ प्रोलॉन्ग ऑगमेंटेड पोस्टसिनेप्टिक रिस्पॉन्स। इवन जब स्टिमुलस नहीं भी है तो भी वो रिस्पॉन्स ज़्यादा होने लगता है लॉन्ग टर्म अगर हम इसकी बात करें तो। और इसका जो मैकेनिज्म है वो है आपका प्रीसिनेप्टिक फैसिलिटेशन। वो कैसे है, ये प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल है, पोस्टसिनेप्टिक टर्मिनल है, जब आप स्टिमुलस बार बार देते हो, और वो स्टिमुलस कैसा होना चाहिए, हार्मफुल स्टिमुलस या नॉक्सियस स्टिमुलस। इसमें हार्मलेस है, इसमें हार्मफुल स्टिमुलस है, तो हार्मफुल स्टिमुलस को जब आप बार बार देते हैं तो जो न्यूरॉन प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल पे, ये एक न्यूरॉन है, ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन पे प्रोजेक्ट कर रहा है, वहाँ से सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, और ये सेरोटोनिन इसकी एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग करता है और बढ़ाता है लंबे टाइम तक के लिए। सो देयर इज अ प्रोलॉन्ग एंड इंक्रीज पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल। और इसका जो रीजन है वो है कैल्शियम मीडिएटेड चेंज इन एडेनाइल साइक्लेज दैट इज कॉजिंग इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक AMP, और फाइनली आपका न्यूरोट्रांसमीटर फाइनल जो आपका पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल है वो आपका प्रोलॉन्ग रहता है और लंबे टाइम तक के लिए रहता है और हाई रहता है। तो ये जो है एनिमल लर्न कर जाता है हाई रिस्पॉन्स टू अ नॉक्सियस स्टिमुलस। मेमोरी फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या चीज़ है, यह है कि सिनेप्स की जो स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग हो जाती है अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस। कोई स्पेसिफिक जो कुछ स्पेसिफिक सिनेप्स का स्ट्रेंथनिंग होती है, यानी वहाँ पे फैसिलिटेशन हो रहा है, और कुछ सिनेप्सेस जो होती हैं उनकी वीकनिंग हो रही है। तो ये क्या है हमारा, ये है अल्टरेशन ऑफ सिलेक्टेड सिनेप्टिक स्ट्रेंथ। और जब ये सिलेक्टेड जो सिनेप्टिक स्ट्रेंथ है उसका जब अल्टरेशन हो रहा है, वीकनिंग हो रही है, स्ट्रेंथनिंग हो रही है, उसमें हमें प्रोटीन का सिंथेसिस और जीन का प्रोटीन का फॉर्मेशन एंड जीन का सिंथेसिस हो रहा होता है उस टाइम पे। एंड ये तब होता है जब शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्जन होता है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्जन है वो एक स्पेसिफिक सिनेप्टिक जो आपके सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं उनके फैसिलिटेशन से होता है। यानी जब हम बार बार किसी चीज़ को रिपीटेडली पढ़ते हैं तो स्पेसिफिक टाइप का जो सिनेप्स है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाती है, और वो चीज़ हमें दोबारा से जब हम उसको रिकॉल करते हैं तो आसानी से हमारी याद हो जाती है और शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर जैसे किसी ने कुछ चीज़ कोई उसकी मेमोरी है और उसी के तुरंत बाद में हमारा अगर ब्रेन का कंकशन हो रहा है, ब्रेन में कोई चोट लग जा रही है, या फिर इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दे दी जाए किसी इंसान को, तो जो उस थेरेपी से जस्ट इमीडिएट बिफोर के इवेंट्स होते हैं उनको भूल जाते हैं, लेकिन जो बहुत पुराने इवेंट्स होते हैं वो याद रहते हैं। तो जस्ट तुरंत जो पहले के हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाए इसलिए वो भूल गए, और उसको हम बोलते हैं रिट्रोग्रेड एमनेसिया। तो ये रिट्रोग्रेड एमनेसिया कब हो सकता है, तब हो सकता है जब आपका ब्रेन कंकशन हो या फिर इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी हो। ओके, ये जो मैकेनिज्म है, जो ये स्ट्रेंथनिंग है, वीकनिंग है, या सिनेप्स, बेसिकली सिनेप्स का प्लास्टिसिटी हो रही है, यानी अलग अलग स्टेप्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, ये तीन तरह की मैकेनिज्म हो सकती हैं। पोस्ट टिटैनिक पोटेंशिएशन, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन और LTP बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म डिप्रेशन या LTD बोलते हैं। और इन तीनों मैकेनिज्म के साथ साथ में जो हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन है वो भी इस मैकेनिज्म के जो मतलब मेमोरी फॉर्मेशन है उसी के अंडर में आता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
तो पोस्ट टेटेनिक पोटेंशिएशन, पोटेंशिएशन का मतलब होता है ज़्यादा होना, बढ़ना, और पोस्ट टेटेनिक यानी कि कुछ चीज़ जो भी बढ़ रही है वो आपकी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में बढ़ रही है। तो पोस्ट टेटेनिक पोटेंशिएशन में क्या होता है, जो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है वो प्रोलॉन्ग होता है और वो ऑगमेंटेड हो जाता है यानी बढ़ जाता है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म होता है कि आप बार बार रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटिशन के बिना शॉर्ट टर्म से लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं होता, रिपीटिशन के बिना मेमोरी नहीं बनती। तो जब आप बार बार किसी को रिपीटेडली स्टिमुलस करोगे दोगे, तो जो कैल्शियम चैनल्स के थ्रू कैल्शियम की एंट्री है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी कि अंदर जो कैल्शियम आ रहा है प्री सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है या पोस्ट सिनेप्टिक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में कैल्शियम इज वेरी मच हाई, ये इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि यहाँ पे जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे वो सारी की सारी ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, और वो जब ऑक्यूपाइड होती हैं तो यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। सो देयर इज अ इंक्रीज इन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, ओके। और ये इतना इंक्रीज हो रहा है कि आपका पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन होता है, जो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल That is increased too much, okay? और even ये potential तब भी develop रहता है जब आप stimulus को हटा भी दो, यानी कि जब हम उसको नहीं भी याद कर रहे, stimulus नहीं भी दे रहे, तो भी ये postsynaptic potential increase हो रहा है। और इसी के through ये learning होती है कि जब आप बार बार stimulus दे रहे हैं तो postsynaptic potential is increased and augmented and prolonged, okay? Even after the stimulus is vanishes। तो ये हमारी process होती है post-tetanic potentiation. So long-term potentiation, there is a persistent enhancement of postsynaptic potential. इसमें postsynaptic potential का ही permanent enhancement हो रहा है, और long-term potentiation and post-tetanic potential में ये difference है। post-tetanic potentiation कम time के लिए होता है, usually 60 seconds गिनोंग में दिया है, seconds to minutes तक होता है, but ये prolong time के लिए होता है, ये जो changes हैं वो days तक चलते हैं, ओके। और इसमें ये पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है, मेनली जो कैल्शियम का इंक्रीज है वो आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे हो रहा है, जैसे कि पोस्ट टेटेनिक पोटेंशिएशन में आपका प्री सिनेप्टिक में कैल्शियम इंक्रीज होता था, ये लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन में जो पोस्ट टेटेनिक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसमें परसिस्टेंट चेंज हो रहा है। इवन जब आप स्टिमुलस नहीं भी, मतलब स्टिमुलस ख़त्म भी हो जाए बाद में, उसके बाद भी ये प्रोलॉन्ग जो है आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसमें जनरेट हो रहा है, और ये कैल्शियम जो इंक्रीज है वो मेनली इट इज़ इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये इसमें एक डिफरेंस होता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है, ये लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन वैसे तो नर्वस सिस्टम में बहुत सारी जगह मिल सकते हैं, लेकिन जो मेजर एरिया है जहाँ पे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन की प्रोसेस मिलती है वो है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में जो दो टाइप के न्यूरॉन हैं, CA3 न्यूरॉन और CA1 न्यूरॉन, CA3 न्यूरॉन CA1 न्यूरॉन पे प्रोजेक्ट करते हैं। ध्यान रखना ये उल्टा है, पहले 3 आता है फिर 1 आता है, तो CA3 न्यूरॉन CA1 न्यूरॉन पे प्रोजेक्ट करते हैं। और जो CA3 न्यूरॉन के एग्जॉन है उनको हम कहते हैं शेफर्स कोलेटरल, और यहाँ पर रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक्साइटेटरी है, ग्लूटामेट, ओके। अब ये जो हिप्पोकैम्पस है इसमें जो मेजर टाइप का जो आपका LTP जनरेट होता है वो पोस्ट सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जनरेट हो रहा है, तो ये मेनली पोस्ट सिनेप्टिक है। इसमें एम्पा और NMDA रिसेप्टर, यानी NMDA रिसेप्टर से डिपेंडेंट है ये मैकेनिज्म, ओके। और ये आपकी शेफर्स कोलेटरल में पाई जा रही है। दूसरे टाइप का जो LTP होता है मोजी फाइबर LTP कहलाता है, जो कि इससे थोड़ा अपोजिट है। इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो प्री सिनेप्टिक है, NMDA इंडिपेंडेंट है, और इसमें जो मेन मैकेनिज्म है वो है साइक्लिक AMP या एंड जो चैनल है वो IH चैनल कहलाता है, हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड कैटायन चैनल्स, हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड कैटायन चैनल। और ये हिप्पोकैम्पस में भी है और ये अमाइग्डाला में भी है, इस टाइप का LTP मिलता है, मोजी फाइबर LTP। तो जो मेजर है हमारा मैकेनिज्म वो यही वाला है पोस्ट सिनेप्टिक के थ्रू, और ये शेफर्स कोलेटरल में मिलता है, ये इसके थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। तो अब हम इस मेजर मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि ये पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो कैसे प्रोलॉन्ग टाइम तक डेवलप हो रहा है। इसमें क्या होता है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, जब आप रिपीटेड स्टिमुलाई देते हो तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में से क्या रिलीज होता है, ग्लूटामेट रिलीज होता है। और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में इसमें दो टाइप के रिसेप्टर हैं, एम्पा रिसेप्टर और NMDA रिसेप्टर्स, और इन रिसेप्टर के साथ में एसोसिएटेड चैनल्स होते हैं। तो जब ग्लूटामेट रिलीज होता है वो दोनों पे बाइंड करता है, एम्पा पे भी और NMDA रिसेप्टर पे भी।
एम्पा रिसेप्टर के थ्रू क्या करता है, ये सोडियम को इन कराता है, यानी इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम कराता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर डीपोलराइजेशन डेवलप हो जाता है इन द पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जब ये डीपोलराइजेशन डेवलप हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, जो ये एनएमडी रिसेप्टर है ये नॉर्मली ब्लॉक रहता है मैग्नीशियम के थ्रू, नॉर्मली ब्लॉक रहता है, मैग्नीशियम इस पर अटैच रहता है, लेकिन जब ये सोडियम एंटर हुआ या डीपोलराइजेशन हुआ तो ये मैग्नीशियम का जो ब्लॉक है वो हट जाता है, तो आप इसको बोल सकते हो इट रिमूव्स द मैग्नीशियम ब्लॉक फ्रॉम द एनएमडी रिसेप्टर्स। जब ये रिमूव हो गया मैग्नीशियम तो इसमें जो कैल्शियम की एंट्री है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो ये कैल्शियम के लिए परमेबल हो जाता है बहुत ज़्यादा और कैल्शियम की एंट्री इंक्रीज हो जाती है। अब पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन पे सोडियम भी आ रहा है अंदर और कैल्शियम भी आ रहा है, तो जो ये मैकेनिज्म जो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, यानी कि जो पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल है वो ऑगमेंटेड डेवलप हो गया, काफ़ी टाइम के लिए डेवलप हो गया और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और ये कैल्शियम और भी काम करता है, क्या काम करता है ये कैल्शियम, ये कैल्शियम वहाँ पर कैल्मोडुलिन है उनको एक्टिवेट कराता है प्रोटीन को और बनाता है कैल्शियम कैल्मोडुलिन। कैल्शियम कैल्मोडुलिन क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे काइनेजेस हैं, प्रोटीन काइनेजेस जिनको एक्टिवेट करते हैं, मेनली कैल्शियम कैल्मोडुलिन काइनेज 2। ओके, और ये कैल्शियम कैल्मोडुलिन काइनेज 2 इसका काम है कई सारे, एक तो इसका काम है ये फॉस्फोराइलेट करता है इस एम्पा चैनल को, जहाँ से ये सोडियम आया था उसको जो है एम्पा चैनल को ये फॉस्फोराइलेट करता है, तो फॉस्फोराइलेट करेगा तो ये ज़्यादा टाइम तक के लिए खुले रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम इसके अंदर एंटर करते रहेंगे, यानी कि ये चैनल दे आर चैनल दीज चैनल्स आर ओपन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, तो ऑब्वियसली डीपोलराइजेशन भी बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक रहेगा, यानी इसकी जो स्नैप्स की मैकेनिज्म है वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक रहेगी, इवन जब स्टिमुलस हट भी जाए तो भी ये रहता है, इसलिए ये जो है आपका डेज तक के लिए ये प्रोसेस रहती है, मतलब मेंटेन रहती है। दूसरा इस कैल्शियम कार्बोनेट काइनेज का काम है कि ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन पे भी जाके सिग्नल देता है और प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन पे जो ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है उसको भी इंक्रीज कर देता है, तो वो इंक्रीज होगा तो फाइनली फिर से पोस्टसिनेप्टिक जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा, और ये मैकेनिज्म होती है थ्रू NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा इसका काम एक और होता है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, वहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन्स है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, उनका सिंथेसिस बढ़ाता है इस सिनेप्स के अंदर और ये परमानेंट चेंजेस कराता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस से और जीन सिंथेसिस से, जीन एक्टिवेशन से वहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो वेसाइकल्स होते हैं जिनमें कैल्शियम होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, ये वेसाइकल्स का नंबर बढ़ जाता है, इनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, यहाँ पर जो रिलीजिंग साइट्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, और जो न्यूरॉन है, जैसे ये न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की एंडिंग होती हैं कई सारी, ये एंडिंग्स भी इनका जो नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो ये परमानेंट चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी या परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट होती है। तो अगर आप देखोगे कि यानी कि लॉन्ग टर्म जो पोटेंशिएशन है उसके थ्रू इस स्नैप्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है, और जो ये पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप होना था वो ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, ज़्यादा लंबे टाइम तक मिल रहा है और ये जो है स्ट्रेंथ हो रही है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप बार 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 रिपीट करते हो किसी चीज़ को, बार बार पढ़ते हो, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो स्पेसिफिक सिनेप्सिस हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उस इन्फॉर्मेशन का, वो बाहर निकल के आता है, तो हम बहुत ही जल्दी उसको रिकॉल कर लेते हो, हमारी मेमोरी में एक स्टोर हो गया और मेमोरी से निकल के आ रहा है थ्रू द स्पेसिफिक सिनेप्स जिसकी हमने स्ट्रेंथनिंग करी हुई है। ठीक है, दूसरा ये है लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, इसके अलावा जो मैकेनिज्म है, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर कैल्शियम बढ़ रहा है वो कैल्शियम कम होगा और जो पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो उल्टा कम डेवलप होगा, तो यानी कि डिप्रेशन हो रहा है। एक तरह से कहना चाहिए कि जो सिनेप्स की स्ट्रेंथ है वो एक पर्टिकुलर सिनेप्स की स्ट्रेंथ कम होती है, एक्चुअली कुछ सिनेप्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है थ्रू LTP, कुछ की घटानी होती है थ्रू लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, जिससे कि वहाँ पर एक यू कैन से कि एक वहाँ पर सामंजस्य टाइप का डेवलप रहता है। ओके, तो ये और जो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन है वो जो ओल्ड मेमोरी ट्रेसेस होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती उनको हटाने का काम भी करता है, तो इस तरीके से हमारी मेमोरी काम करती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो न्यूरोजेनेसिस, हमें अभी तक ये मालूम है कि भाई जो न्यूरॉन्स हैं वो बर्थ पे जितने डेवलप हो गए हो गए, उसके बाद वो डेवलप नहीं करते, लेकिन न्यू रिसर्चेस चल रही हैं उनके थ्रू अभी ये बात आई कि कुछ एरियाज़ में न्यूरॉन्स बर्थ के बाद भी डेवलप हो सकते हैं और धीरे धीरे ये डेवलप होते रहते हैं, जैसे ऑल्फैक्ट्री लोब्स होते हैं और हिप्पोकैम्पस, इन दो एरियाज़ में मेनली जो न्यूरोजेनेसिस है उसका काम बाद में भी हो जाता है, फ्रॉम द स्टेम सेल ये इनका जनरेशन हो जाता है। ठीक है, और एक है आपका इंटरकॉर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ द मेमोरी, जैसे कि हम एक आँख बंद करें, हमने जो चीज़ इस आँख से देखी
वो अगर हम इसको बंद कर ले तो इस आँख से भी याद रही है, यानी कि वही चीज़ अगर मैं इस आँख से दोबारा देखूँ तो मुझे याद होगी कि हाँ ये चीज़ मैंने देखी थी और इसके बारे में ये सुना था या देखा था जो भी था। तो ये इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे में कैसे जा रही है, हमारे दो हेमिस्फीयर हैं, उन दो हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है कॉर्पस कैलोसम। अगर आपने डायग्राम में देखा होगा तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम का जो एंटीरियर पार्ट होता है ये यही आपका इंटरकॉर्टिकल ट्रांसफर ऑफ मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये वाइट मैटर्स का बना होता है, यानी कि इसमें एक्सोन्स होते हैं मेनली। तो इंटरकॉर्टिकल ट्रांसफर जो है एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोसम के थ्रू होता है। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म कन्वर्जन हिप्पोकैम्पस में हो रहा है। ये प्रोसेस है आपकी इसमें पोस्टजेनिक पोटेंशिएशन, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, हैबिचुएशन, सेंसिटाइजेशन। तो ये सारी प्रोसेस अगर आप फाइनली देखो तो सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी से ही रिलेटेड हो रही है। एक कुछ स्पेसिफिक सिनेप्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है, कुछ सिनेप्स जो स्पेसिफिक सिनेप्सिस हैं उनकी स्ट्रेंथ को घटाया जा रहा है, और उसी तरीके से ये शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्जन हो रहा है। जो डिफरेंट एरियाज होते हैं मेमोरी के, दे आर नॉट डिस्क्रीट, वो अलग अलग नहीं होते, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बिकॉज वर्किंग मेमोरी विल कन्वर्ट इंटू शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी विल कन्वर्ट इंटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, और बाकी जो जितने भी हिप्पोकैम्पस है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इनमें ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं और वन टाइप ऑफ मेमोरी दूसरे टाइप की मेमोरी में कन्वर्ट होती है। तो ये किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, जैसे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आपकी वर्किंग मेमोरी होती है जो कि सिर्फ सेकेंड्स तक रहती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिप्पोकैम्पस से कनेक्टेड रहता है, हिप्पोकैम्पस से फाइबर्स जो होते हैं वो मैमिलरी बॉडी में आते हैं, वो भी कनेक्टेड रहते हैं। मैमिलरी बॉडी से मैमिलोथैलेमिक ट्रैक, तो मैमिलो मीन्स पहले मैमिलरी बॉडी फिर थैलेमस होगा। थैलेमस का कौन सा पोर्शन इसमें होता है, एंटीरियर थैलेमस इज इन्वॉल्व फॉर द मेमोरी। सो मैमिलरी बॉडी से एंटीरियर थैलेमस से कनेक्ट रहते हैं। ये जो एंटीरियर थैलेमस होता है ये आपका अगेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से कनेक्ट रहता है। तो इस तरीके से ये एक लूप बनता है, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो हिप्पोकैम्पस एक तरफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ मैमिलरी बॉडी से, एंड मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट मैमिलरी बॉडी एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस से कनेक्टेड है। हिप्पोकैम्पस कहाँ पर होता है, हिप्पोकैम्पस होता है मीडियल टेम्पोरल लोब में, डीपर स्ट्रक्चर होती है हिप्पोकैम्पस के। और ये जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेसल फोरब्रेन से कनेक्टेड होता है, जहाँ पे न्यूक्लियस बेलिस बेसलिस ऑफ मेनर्ड बोलते हैं जिसको हम, न्यूक्लियस बेसलिस ऑफ मेनर्ड। और ये कोलिनर्जिक न्यूक्लियस होता है, यहाँ से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं उनसे एसिटाइल कोलिन सिक्रीट होता है। सो दे आर कोलिनर्जिक न्यूक्लियस, और इन कोलिनर्जिक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूरॉन्स निकलते हैं जो कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, और वो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में जाते हैं, मतलब वापस हिप्पोकैम्पस से भी आते हैं, क्योंकि हिप्पोकैम्पस से ही ये सारा आपका सर्किट शुरू हो रखा है। एमाइग्डाला में भी जाते हैं ये फाइबर्स, जो नियोकॉर्टेक्स में जाके उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं, और ब्रेन के काफ़ी सारे एरियाज में जाते हैं। तो यहाँ देखोगे आप बेसल फोरब्रेन और न्यूक्लियस बेसलिस ऑफ मेनर्ड कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, जिनसे एसिटाइलकोलिन यहाँ पर सिक्रीट होता है, और इनसे डिफ्यूज फाइबर्स आते हैं टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म, एमाइग्डाला, एमाइग्डाला में जाता है, तो इसलिए इमोशनली चार्ज जो मेमोरी होती है वो एमाइग्डाला से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो मेमोरी इमोशंस के साथ अटैच रहती हैं वो आप बेटर मेमोराइज रहते हैं वो इवेंट्स, यानी इमोशंस का इसमें बहुत मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो इमोशनली जो मेमोरीज होती हैं इमोशनली एसोसिएटेड वो एमाइग्डाला से होती है। तो फाइबर्स आपके एमाइग्डाला में भी जा रहे हैं, फाइबर्स आपके हिप्पोकैम्पस में भी जा रहे हैं। सो दीज आर द कनेक्शंस ऑफ डिफरेंट एरियाज विच आर इन्वॉल्व इन मेमोरी टू ईच अदर, ओके। और ये जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, अगर इनमें कोई लीजन हो जाता है तो कौन सी डिजीज होती है, अल्जाइमर्स डिजीज होती है, जिसमें पर्सन एपिसोडिक मेमोरीज को भूलने लगता है, बाकी जो आपका पास्ट इवेंट्स हैं वो उसको याद रहते हैं बट एपिसोडिक मेमोरी को भूलने लगता है धीरे धीरे, और भी आपके डिफरेंट टाइप की मेमोरी भी उसमें लॉस होने लगती है। सो दीज आर द कनेक्शंस। देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें जैसे कि एक है कन्फैबुलेशन। कन्फैबुलेशन क्या होता है, कन्फैबुलेशन होता है ऑनेस्ट लाइन, मतलब पर्सन को झूठ बोल रहा है पर वो ऑनेस्ट है, उसको पता नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। पहले बात तो ये है कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसमें यह है कि जो मेमोरी टेस्ट है उसमें पर्सन बहुत पुअर रोल प्ले करता है, यानी कि उसकी जो मेमोरी है वो बहुत पुअर समझ में आती है टेस्ट में, लेकिन ही स्टार्ट्स टेलिंग सम इवेंट्स जो कि कभी हुए नहीं है, वो कुछ ऐसी चीज़ें बताना शुरू कर देता है जो कभी नहीं हुए, ठीक है, तो उसको हम ऑनेस्ट लाइंग कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा
जो कौन से टाइप के जो न्यूरॉन्स हैं किनका लीजन होता है, इसमें वेंट्रोमीडियल पोर्शन ऑफ फ्रंटल लोब लीजन होता है। तो ये ध्यान रखने की बात है, जो फ्रंटल लोब है उसका लीजन होता है और उसका वेंट्रोमीडियल पोर्शन का लीजन होता है। फिर एक आता है डेजावू फिनोमेना। डेजावू फिनोमेना क्या है? डेजावू फिनोमेना ये है कि ये स्ट्रेंजनेस एंड फेमिलियरिटी इन दोनों बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली जो मीडियल टेम्पोरल लोब है, मीडियल टेम्पोरल लोब कहाँ है आपका? ये आपका होता है टेम्पोरल लोब, इसमें जो यहाँ पर है ये जो होता है यहीं पर हिप्पोकैम्पस पैरा हिप्पोकैम्पस एरियाज होते हैं, टेम्पोरल लोब है। तो जो मीडियल टेम्पोरल लोब है वो अगर आप उसका स्टिमुलेशन कर दो तो ये देखा गया कि भाई जो फैमिलियर सराउंडिंग है वो आपको लगने लगती है, मतलब स्ट्रेंज जो आपने कभी देखा नहीं, जिसको जो स्ट्रेंज एनवायरनमेंट है वो आपको लगता है फैमिलियर है, यानी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं कभी आए हुए हो पहले से, जबकि आप पहली बार आए हो। तो वो इवेंट्स जो कि स्ट्रेंज है लेकिन फैमिलियर होने लगे हैं और अपोजिट हो रहा है इसका। तो मतलब दोनों टाइप की फिनोमेना मीडियल टेम्पोरल लोब के स्टिमुलेशन से हो सकते हैं। अब जो अनफैमिलियर इवेंट है, स्ट्रेंज इवेंट है, वो आपको फैमिलियर लगने लगे उसको हम कहते हैं डेजावू फिनोमेना। या फिर कोई इवेंट है जो कि आपको मतलब लगने लगे कि ये इवेंट तो पहले भी हुआ हुआ है, तो उसको हम कहते हैं डेजावू फिनोमेना। ये नॉर्मल लोगों में भी कभी कभी बीच में हो जाता है, बट अगर ये डेजावू फिनोमेना इज प्रीसीडिंग बाय एन ऑरा, ऑरा का मतलब सीजर, तो ऐसी कंडीशन एबनॉर्मल होती है। अब उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी में इस टाइप की कंडीशन होती है, और ये टेम्पोरल लोब की लीजन की वजह से ऐसा हो सकता है। सो टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी में डेजावू फिनोमेना प्लस ऑरा एसोसिएटेड होता है। ओके, एक है एक गैनोंग में दिया हुआ है, एक केस दिया हुआ है एचएम का, ये है हेनरी मोलाइजन। हेनरी मोलाइजन जब छोटा था अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर्स का, तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में उसको पार्शल सीजर स्टार्ट हो गए। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, 16 ईयर्स के आसपास हुआ, तो वो जो पार्शल सीजर थे अब वो टोनिक क्लोनिक सीजर में कन्वर्ट हो गए। तो यानी उसको प्रॉब्लम बढ़ रही थी। अब उसकी बाद में सर्जरी करी गई, 20+ के बाद में उसकी सर्जरीज करी गई, और उन सर्जरीज में इन्होंने क्या क्या रिमूव किया? एमाइग्डाला रिमूव किया, हिप्पोकैम्पस रिमूव किया, एंड सम पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब कॉर्टेक्स को रिमूव किया। तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट हो गया उसको सीजर्स में, सीजर्स उसको कम हो रहे थे काफ़ी, लेकिन उसका देखा कि जो रिमोट मेमोरी है वो तो है, यानी जो सर्जरी से पहले की मेमोरी थी वो तो उसकी बनी हुई है, यानी कि उसको रिट्रोग्रेड एमनेजिया नहीं है। रिट्रोग्रेड एमनेजिया होता है कि पहले का जो होता है, तो रिट्रोग्रेड एमनेजिया तो उसको नहीं था। एमनेजिया माने होता है भूलना, तो ये तो उसको नहीं था, लेकिन उसको एंटीग्रेड एमनेजिया हो गया। एंटीग्रेड एमनेजिया मतलब अब जो सर्जरी के बाद वो जो याद कर रहा था, शॉर्ट टर्म जो मेमोरी थी वो तो उसकी इंटैक्ट हो रखी थी, यानी कि जो उसको कोई चीज़ें सिखाओ, उसको लर्निंग कराओ, मोटर स्किल कराओ, कोई नया पजल सिखाओ, वो उसको याद हो रहा था, लेकिन उसको वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। तो जो आगे की चीज़ें थी वो भूल जा रहा है, यानी कि उसको एंटीग्रेड एमनेजिया हो गया है। और ये देख, इससे हमने क्या इंटरप्रेट किया कि भाई जो टेम्पोरल लोब है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। बाद में और रिसर्च हुई तो उसमें पता चला कि जो टेम्पोरल लोब है उसमें भी स्पेशली हिप्पोकैम्पस इज द रीजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। और हिप्पोकैम्पस आपका टेम्पोरल लोब में ही होता है, डीपर स्ट्रक्चर